हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मारोक्स यूट्यूब चैनल फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे ब्रूफेन टैबलेट्स के बारे में तो हम सीखेंगे उसके बेसिक यूज़ के बारे में जानेंगे उसका डेली डोज वगैरह क्या होता है और कौन से अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह डेवलप होते हैं ये मेडिसिन को लेने के बाद तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ़ फार्मरॉक्स थैंक यू फॉर बी इन टू लेक फैमिली ऑफ फार्मरॉक्स फा। 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 अपडेटेड रहिए दे फार्मा नॉलेज के साथ एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज़ एंड वीडियो लेक्चर फार्मा फार्माडॉक्स के ऐप ऊपर तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आईफोन यूज़र है तो ऐप स्टोर पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी तो सबसे पहले समझते हैं ब्रूफेन टैबलेट्स के मैन्युफैक्चर के बारे में तो ब्रूफेन टैबलेट्स को मैन्युफैक्चरिंग करता है कि मतलब कि ये टैबलेट कौन बनाता है तो एबॉट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड उसके मेन मैन्यूफेक्चर है कि ये मेडिसिन का जो प्रोडक्शन है वो एबर्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड जो है वो करती है और उसका सॉल्ट कंपोजिशन हम देखें तो उसके अंदर जो मेन मेडिसिन होती है वो है आईबू तो आईबू जो है वो प्रेजेंट होता है ब्रुफेन के अंदर एंड उसके अवेलेबल स्ट्रेंथ हम देखें तो 400 मिलीग्राम स्ट्रेंथ के अंदर भी अवेलेबल होता है और सेकंड दैट इज़ ए मिलीग्राम तो दो अलग अलग स्ट्रेंथ के अंदर ये टैबलेट जो है वो अवेलेबल है मार्केट के अंदर एंड ये ऐसे क्लास का मेडिकेशन हम कह सकते हैं कि जो पेन रिलीविंग मेडिसिन कही जाती है और पेन किलर के तौर पे ये काम करता है तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द ब्रुफेन टैबलेट्स अब समझते हैं उसके बारे में डिटेल में तो जो आईबो जो हम कहते हैं तो वो नॉन स्टेर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग कहा जाता है और ये मेडिकेशन क्या करती है ट्रीट करती है पेन को फीवर को एंड इन्फ्लेमेशन की जब बॉडी के अंदर सूजन वगैरह होती है फीवर की कंडीशन होती है और जब आपके बॉडी के अंदर पेन होता है तो वो कंडीशन को जो है वो ये मेडिसिन ट्रीट करता है जैसे कि पेनफुल मेंस्ट्रुअल पीरियड्स की पीरियड्स के दौरान जो पेन वगैरह होता है माइग्रेन्स के अंदर जो काफ़ी पेन होता है कि माइग्रेन हेडेक जब होता है एंड जो रोमेटेड आर्थराइटिस के अंदर पेन और जो सूजन होती है तो ये सभी के इलाज के अंदर ये मेडिकेशन जो है वो यूज़ किया जाता है और ये मेडिसिन क्या करता है इनहिबिट करता है कॉक्स एंजाइम को कि जिसका फुल फॉर्म रहता है साइक्लो एंजाइम्स एंड रिड्यूस करता है प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को कि जो मेडिएटर बनते हैं पेन के लिए और इन्फ्लामेशन के लिए कि जो बॉडी के अंदर कई बार जो इन्फ्लामेशन हो जाती है फिर पेन वगैरह होता है तो उसके लिए जो कोई मेडिएटर है कोई रिस्पॉन्सिबल है तो ये पीजी, पीजी मतलब कि प्रोस्टाग्लैंडिन। अब प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस समझो कि आपके बॉडी के अंदर कम हो जाएगा और जो कॉक्स इंजेम की ज़रूरत होती है ये प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस के लिए तो यही जब समझो कि इनहिबिट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्मेशन कम हो जाता है और जो उसकी मेन फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट जो हम कहते हैं कि जो एंटी इन्फ्लामेटरी काम करता है एंड पेन किलर के तौर पे काम करते तो उस तरह से वो अचीव होती है अब समझते हैं उसके बेसिक यूज़ के बारे में तो फीवर के इलाज के अंदर ये मेडिसिन यूज़ किया जाता है फिर ईयर एचिस मतलब कि जो ईयर के अंदर जो आपको पेन होता है कि ईयर के अंदर जो पेन वगैरह होते हैं ईयर इन्फेक्शन के अंदर काफ़ी पेन होता है कई बार ईयर्स के अंदर तो उसके इलाज में भी ये ब्रोफेन टैबलेट आप यूज़ करते हैं स्टमक पेन के अंदर भी ये टैबलेट को ये आप ले सकते हैं कि यहाँ पे डायग्राम के अंदर जो देख सकते हैं कि जब आपको स्टमक पेन होता है तो ऐसे कंडीशन में भी ब्रूफेन टैबलेट्स को यूज़ किया जाता है फिर जो डिसमेनोरिया के कंडीशन की जो मेडिकल टर्म है पेनफुल पीरियड्स के लिए कि जो पेनफुल मैंसोरियल साइकिल होता है पेनफुल पीरियड्स होते हैं तो उस वक्त भी ये ब्रूफेन टैबलेट आप ले सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड उसके कारण होने वाला पेन कि आर्थराइटिस के अंदर मेनली तो होता है कि जो सूजन वगैरह होती है इन्फ्लामेशन होता है तो उसको ट्रीट करने के लिए ये मेडिसिन यूज़ किए जाते हैं फिर जो रोमेटेड आर्थराइटिस के लिए फिर मस्क्यूलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स होते हैं कि आपके मसल्स एंड स्केलेटल सिस्टम रिलेटेड जितने भी अलग अलग डिसऑर्डर्स है कि जिनके अंदर इन्फ्लामेशन एक मेन है पेन वगैरह होता है तो ये सभी के इलाज के अंदर ब्रूफेन टैबलेट्स को यूज़ किया जाता है फिर हैड है फिर बैक पेन की जो हम बात करते हैं टूथ की जो बात करते हैं कि जो टूथ के अंदर आपको पेन हो रहा है बैक पेन हो रहा है तो ये सभी कंडीशन को ये मेडिसिन जो है वो ट्रीट करता है साथों साथ जो पोस्ट पार्टम एंड पोस्ट ऑपरेटिव पेन मतलब कि कोई ऑपरेशन हुआ है कोई सर्जरी हुई है और उसके बाद जो बॉडी के अंदर पेन वगैरह होते हैं तो उसके भी इलाज के अंदर ब्रूफेन टैबलेट्स को प्रिस्क्राइब किए जाते हैं तो अब समझते उसका वर्किंग एंड मेकेनिज़म तो जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में उसके इंट्रोडक्शन के अंदर देखा कि ये मेडिसिन क्या करते हैं ये जो कॉक्स एंजाइम्स होते हैं साइक्लो एंजाइम, उसको इनहिबिट करता है और स्पेशली कॉक्स टू को इनहिबिट करके अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देता है और प्रोस्टाग्लैंड जो बनता है ये प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन जो है वो ये करता है इनिबिट तो प्रोस्टाग्लैंडिन के फंक्शंस आपको समझना ज़रूरी है कि जब आपके बॉडी के अंदर समझो कि प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन हो जाता है तो वो क्या करता है डायरेक्टली कोज द पेन पेन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल बनता है सबसे पहले फिर सेकंड पॉइंट हम देखें तो एनहांस द पेन बाय इंड्यूसिंग इफेक्ट ऑफ ब्रेडिकाइनिन फिर ये क्या करेगा जो ब्रेडिकाइनिन जो होता है उसकी इफेक्ट को एनहांस करेगा और जिसके कारण पेन भी आपके बॉडी के अंदर एनहांस होगा इंड्यूस करेगा फीवर फिर देखिए तो मेडिएटर बनेगा पेन के लिए कि उसके कारण आपको अलग अलग पेन सेंसेशन होंगे बॉडी के अंदर एंड साथ, -साथ बॉडी के अंदर सूजन एंड फीवर ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल बनेगा ये प्रोस्टाग्लैंड तो प्रोस्टाग्लैंड कैसे बनता है तो ये अराचडनिक एसिड और ये कॉक्स एंजाइम ये दोनों के इन्वॉल्वमेंट से बनता है ये प्रोस्टाग्लैंडिन उसी तरह से समझो कि कॉक्स वन की तरह कॉक्स टू एंजाइम है तो भी सेम प्रोड्यूस होता है प्रोस्टाग्लैंडिन और उसके आप फंक्शन दे तो, तो जियामिकोजल का पॉट्रैक्शन करवाता है हीमेस्टेसियस के लिए रिमू रिस्पॉन्सिबल है मीडिएटर ऑफ पेन बनता है इन्फ्लामेशन एंड फीवर तो आपकी ये जो मेडिसिन है ये क्या करेगा कि ये कॉक्स टू एंजाइम को इनहिबिट कर देगा अब कॉक्स टू तो इनहिबिट समझो कि यहाँ पे हो रहा है तो आगे जाके प्रोस्टाग्लैंडिन भी नहीं होगा प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं होगा तो ये पेन के जो मेडिएटर्स भी कम हो जाते जी, सो ये टैबलेट्स लेने के बाद जो है वो धीरे धीरे प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस आपकी बॉडी के अंदर कम हो जाता है जिसके कारण ये जितने भी अलग अलग जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये सॉल्व होता है कि लाइक फीवर जो होता है तो फीवर कम हो जाता है पेन आपको हो रहा है तो पेन कम हो जाता है फिर जो इन्फ्लामेशन है सूजन वगैरह है वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है ये मेडिसिन को लेने के बाद सो आईबी इनहिबिट द कॉक्स एनजाम एंड सप्रेज द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन विच आर अ मेडिएटर ऑफ पेन इन्फ्लामेशन एंड फीवर की ये पॉइंट ऑलरेडी हमने समझ लिया एंड इट ऑल्सो इनहेबिट द थ्रोम्बोक्सन एटू विच स्टिम्युलेट द प्लेटलेट्स एग्रीगेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लोट तो मेनली तो यहाँ पे उसका हम देखिए तो कॉक्स टू के ऊपर ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन के फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है और पेन इन्फ्लामेशन एंड सूजन वगैरह जो है फीवर वगैरह है उसको कम करता है अब समझना ज़रूरी है उसके डोज़ के बारे में कि कौन कितने डोज में आप इसको यूज़ कर सकते हैं तो 400 सौ से लेकर 800 मिलीग्राम टीडीएस टीडीएस मतलब कि थ्री टाइम्स अ डे मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ कि थ्री टाइम्स अ डे कि दिन में तीन बार ये टैबलेट आप खा सकते हैं कि ये 400 मिलीग्राम का ये जो ब्रूफेन टैबलेट आप देख सकते हैं तो एक टैबलेट आप मॉर्निंग में लेते हैं एक आफ्टरनून में लेते हैं और एक नाइट में तो इस तरह से वन 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 इस तरह से प्रिस्क्रिप्सन जो है वो तैयार हो सकता है कि अगर चार मिलीग्राम का आप टैबलेट यूज़ करते हैं तो वन वन इस तरह से कि मैगजिम आप तीन टैबलेट जो है वो ले सकते हैं दिन में स्टार्ट विद द लोअर डोज एंड छोटे बच्चों के लिए यह डोज रहेगा 20 मिलीग्राम पर केजी पर डे के समझो कि बच्चे का वेट समझो कि 10 किलोग्राम है तो उसको जो है वो आप 20 मिलीग्राम का ये जो टैबलेट है वो दे सकते हैं तो एक किलोग्राम वेट है तो 20 मिलीग्राम 10 किलोग्राम है तो 200 मिलीग्राम सो इसी के कारण ये 200 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में भी अवेलेबल है अब समझते हैं उसके साइड इफेक्ट तो गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट करवाता है और उसके कारण आपको नोज़िया एंड वॉमिटिंग जैसा हो सकता है कि अगर आप उसको लॉन्ग टाइम तक यूज़ करते और साथ ओवर डोज के अंदर यूज़ करते हैं तो आपका ये जो गैस्ट्रिक जो हम कहते हैं रीजन गैस्ट्रो इंटेस्टर्नल ट्रैक वहाँ पे ये सबसे पहले नोज़िया करवा सकता है कि जी मचलना वगैरह जैसी कंडीशन और उसके बाद पर्सन को हो सकती है वॉमिटिंग गैस्ट्रिक ईरोसन करवा सकता है एंड ऑकल्ट ब्लड लॉस कि गैस्ट्रिक इरोजनस मतलब कि जो लाइनिंग्स वगैरह होते हैं म्यूकोजल मेम्बर वगैरह होते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन और स्पेशली जो स्टमक वगैरह है गैस्ट्रो इंटेस्टर्नल के अलग अलग रीजन है तो वहाँ पे ये इरोजन करवा सकता है उनको डैमेज कर सकता है अगर आप उसको लॉन्ग टाइम तक यूज़ करते हैं डिजीनेस जैसा फील करता है पर्सन मतलब कि नींद वगैरह जाना उबासिया लेना वगैरह प्रॉब्लम होते हैं फील ब्लरिंग ऑफ विजन विज़न आप ब्लर्स हो सकती है और टीनाइटस जैसे प्रॉब्लम हो सकती है ईयर रिंगिंग जैसे साइड इफेक्ट्स डेवलप होते हैं कई बार स्किन के ऊपर इस तरह से रेसिस डेवलप होते हैं कि अगर आपको ब्रूफेन के अंदर रहा ये जो आईबू ब्रूफेन है उसकी समझो कि आपको एलर्जी है इचिंग जैसा हो सकता है एंड अदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस ड्यू टू दिस ब्रूफेन टैबलेट अब कौन से लोगों को ये यूज़ नहीं करनी है तो सबसे पहले कि जिनको पैप्टिक अल्सर है कि ऑलरेडी आपका गैस्ट्रिक म्यूकोजा डैमेज है वहाँ के ये जो लाइनिंग्स वगैरह हो होते हैं और इंटरनल ये जो मेम्ब्रेन्स होते हैं आपके जी आई के वो ऑलरेडी डैमेज है और वहाँ पे अल्सर हुआ है तो भी ये टैबलेट को यूज़ ना करें फिर चिल्ड्रन अंडर द सेवन ईयर्स कि छोटे बच्चों को ये नहीं देनी है कि जो सेवन ईयर या फिर उससे कम एज के चिल्ड्रन से अगर आपको हाइपर सेंसिटिविटी है प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के दौरान उसको यूज़ नहीं करनी है बिकॉज प्रेगनेंसी के दौरान ये लेने से मिसकेरेज वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती थे एवर टेकिंग आई फर्स्ट थर्टी वीक ऑफ प्रेगनेंसी कि प्रेगनेंसी के जो 30 वीक्स तक जो है वो आप आईब्यू को यूज़ ना करें बिकॉज टेकिंग आईब्यू इन द फर्स्ट 30 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में लीड टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड इंक्लूडिंग मिस कैरेज क्याबोरसन हो सकता है मिस कैरेज हो सकता है जिसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लीकेशंस वगैरह हो सकते तो ब्रूफेंट टैबलेट्स को आप प्रेगनेंसी के दौरान यूज़ ना करें सेम लाइक दैट ब्रेस्ट फीडिंग का जो पीरियड है लैक्टेसन पीरियड है उसके दौरान भी आपको यूज़ नहीं करनी है तो ये थी स्पेशल इन्फॉर्मेशन अबाउट द ब्रूफेंट टैबलेट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज़ वीडियो लेक्चर फार्मोडॉक्स के एप ऊपर सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट